Hello and welcome everyone. My name is Sandeep and here is my wife Swati. Biba, क्या कर रही हो ये? इनफैक्ट ये ब्लॉग कल से शुरू होने वाला था बट हमने सोचा क्यों ना इसको हम आज से शुरू करें. दरअसल कल मेरे कजन की एंगेजमेंट सेरेमनी है जिसको हम लोग सुपारी कहते हैं, कभी कभी तिलक भी कहते हैं. बट मैंने जब सुपारी बोली तो ये मुझ पर बहुत ज्यादा हंसी थी, इसके लिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि तिलक इस प्रोग्राम को सुपारी भी बोलते हैं. तो एंगेजमेंट सेरेमनी बेसिकली वही होता है जिसमें मैरिज फिक्स किया जाता है. वो अलग ही था, मतलब ऐसे लगा हाँ श्रद्धा की सुपारी किसकी सुपारी है, विद्या की सुपारी. विद्या की सुपारी मतलब किसने दिया सुपारी? तो बड़ा क्वेश्चन मार्क था. हम मराठी में एंगेजमेंट सेरेमनी को सुपारी भी बोलते हैं. राइट, तो हम लोग कल एंगेजमेंट सुपारी वाले सेरेमनी में जाने वाले. हाँ, सुपारी वाले सेरेमनी में जाने वाले. हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग की, वो कल के हम लोग में दिखेगा. कल भी नहीं, इसी ब्लॉग में दिखेगा. बट वो हम कल से शुरू करने उसको कल से हम कंटिन्यू करेंगे. अभी राइट नाउ तो हम लोग डिनर करने के लिए आए. मतलब क्या खरीदे हमने, मतलब ऐसे नहीं बहुत सारी शॉपिंग, हम लोग ने हमारे लिए ड्रेसेस. और एक बात, इस होटल में हम जब भी आते तो इसका ऑर्डर पहले आ जाता है और मेरा ऑर्डर वो लोग साथ में लाते क्यों नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. अभी तो अंकल ने बोला ना उनको दो ही आते करके, एक के बाद एक बनेंगे. अभी मैंने पूछा एक ही आया, बोलते क्या करें मैडम दो ही आते, एक के बाद हम लोग जाते हैं वहां पर तो साथ में आते हैं ना. मतलब ये तो बेचारे लोग सोचते, सच में ये लोग बेचारे हैं बट बहुत हाल कर रहे हैं हमारा. मतलब ऐसा है कि एक जन खाते रहो, दूसरा जन देखते रहो, फिर बाद में दूसरा ऑर्डर आएगा, फिर वो खाएगा और सामने वाला देखते रहो. बट मैं देखते नहीं रहूंगा, मैं इसमें से खाऊंगा. अभी गाड़ी तो पार्किंग कर दी है जहाँ पे मेरे मामा रहते हैं और यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा लोचा है. पता नहीं, और यहाँ पे जब मैं पार्किंग किया तब यहाँ के जो लोकल इंसान थे वो शॉर्टकट में हमको धमकी दे रहे थे वो कि भाई यहाँ पे पार्किंग मत करो नहीं तो आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा. बट हम लोग फाइनली यहाँ पे कर दिए क्योंकि मैंने मेरे अंकल को पूछा कि यहाँ पे हमको पार्किंग करना है या नहीं, कर सकते हैं. वेल गाइस, ये पूरा पसारा लेके अभी हम लोग जा रहे हैं साउथ हमारे हॉल. ये पसारा इसमें कैमरा है. अच्छा, पार्किंग का लफड़ा होने की वजह से ये मशक्कत हमको करनी पड़ी. राइट बीबा? ओह फोटोग्राफर. यस, फोटोग्राफर. यस यू आर. इसके बाद
अभी बाकी है मेरे दोस्तों। पिक्चर में एक जन नहीं रहने वाला, मैं तो रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। ये तेरी मम्मी रखेगी तो ना, बट कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। लुक इतने एडवेंचरस है, बताए क्या क्या लग रहा है। दिस इज सीरियसली ऑसम। मैडम की विश ये है कि जैसे रात में हम बोट में बैठे पानी के बीचों बीच लेके जाके छोड़ दे बीच में और पूरी रात हम लोग बैठे, नो डिस्टरबेंस, अच्छा खासा बेड वगैरह हो सोने के लिए, सब फैसिलिटीज हो गया। अभी अभी कहाँ जा रहे मरीन? हम चले मरीन। वो गाना चाहिए तारे तो मिल के फाइन भरना पड़ता है। वही तो मैंने बोला। मरीन लाइन रॉन्ग था, मरीन ड्राइव राइट था, मेरे मुंह में जो आ रहा था वो राइट था, मरीन लाइन रेलवे स्टेशन था, मरीन ड्राइव ही बोलते हैं इधर। हमारे लिए प्लेस खाली हो गया सब, हम लोग मरीन ड्राइव में।
वी आर नॉट मैरिड कपल्स. वी आर नॉट मैरिड कपल्स, वी आर जस्ट कपल्स. यार ये कितना टाइम ले रहा है. मैं जा रही हूँ, वो खुद आएगा. बस है, वो घुमाने वाला बस है.